पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा और डॉक्टर शशि चौहान का बुद्धि बिहारी स्थित आशा सिंह के आवास पर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने एकजुट होकर दोनों ही सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान फूल मालाएं पहनाकर सभी ने उनका सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनी डॉक्टर शशि चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की भागीदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भाजपा ही वो पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज और सर्व राष्ट्र की पार्टी है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि प्रदेश की जिम्मेदारी दी, और मैं पूरी वफादारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगी। और सभी महिलाओं से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि हमारे प्रदेश की 25 करोड़ के करीब जनसंख्या है, जिसमें से लगभग आधी आबादी तो महिलाओं की है ही, नहीं तो 10.5 करोड़ तो है ही। तो हम लोग इस बार जिस ढंग से संसद में भी इस बार आप सभी जानते हैं महिलाएं अधिक संख्या में आई हैं, तो हमारी कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी रहेगी कि हम सभी महिलाओं को कहें कि एक एक वोट घर से निकाल कर और परसेंटेज को 90 से अबव लेकर जाएं, क्योंकि हमारा वोट पूरा नहीं पड़ता। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग वोट डालने नहीं जाते। तो इस बार हम महिलाओं का यही इस पर फोकस रहेगा 2022 के चुनाव के लिए, कि सब एक एक वोट को घर से निकाल लें और अपने आसपास के जितने नए वोट हैं उन सबको बनवाते हुए उन सबको डलवा दें, जिससे कि हम 300 के पार जाएं और योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत हों। मैं आज मेरा जिस ढंग से और गीता जी का, डॉक्टर गीता शर्मा जी का यहाँ पे जो स्वागत हुआ है, हम इन सभी बहनों का बहुत धन्यवाद करते हैं, इनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम इन्हीं की वजह से मजबूत हैं, हमारे इन्हीं की वजह से बहुत सारे हाथ हैं और उसी को लेकर हम लोग एकजुट होकर आगे भी इसी तरह से कार्य करेंगे। बहन गीता जी के साथ, आशा जी के साथ, पूनम चौहान जी, हीरा भारती जी, हेमा खत्री जी, मुन्नी जी, मेरा सबसे आग्रह है कि सब चीज़ भूल कर इस समय 2022 की तैयारी करें। और जिस ढंग से शायद किसी पार्टी में भी, जब मैं आई थी इस पार्टी में, मैं मंडल अध्यक्ष के तौर पर आई थी और मैंने उस समय से मांग की थी, क्योंकि पहले पार्टी में तो 50% करो आप, बाद में 33% दोगे, और उसके बाद पार्टी ने सुना और महिलाओं का स्थान 50% हुआ। जिस समय मैं महानगर में मंत्री थी मेन बॉडी में, तो सिर्फ एक महिला होती थी, उसके बाद उन्होंने 50% किया और अब हमारा ये रेशियो है कि 33% जिले की और महानगर की कमेटियों में महिला होती हैं मोर्चे के अलावा। तो हमारा जितना सम्मान इस पार्टी में महिलाओं का है और महिलाएं हक से अपनी बात को कह सकती हैं, इतना किसी भी पार्टी में नहीं है। और हमें भी राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, छोटी सोच से बचना चाहिए। तो उसी को लेते हुए हम सब महिलाएं, एक बार फिर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पार्टी का कि उन्होंने इस बार हमें ऐसा मौका दिया है कि हम अपना और अच्छे से, वैसे तो हम काम कर ही रहे थे, कि और अच्छे से काम कर सकें। तो वहीं प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बनी डॉक्टर गीता शर्मा ने कहा कि 2022 के इलेक्शन को लेकर कार्य करना है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कार्य जनता के हित में किए गए हैं उन कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति को धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी कि एक मैं जिला महामंत्री होकर मुझे प्रदेश में पद दिया है, मैं उनकी आभारी हूं। ऐसे ही हमारी पार्टी है, कभी कार्यकर्ता का मनोबल ना गिरे, उसको हमेशा उसके कार्य को सराहना करते हुए उन्होंने मुझे प्रदेश में दिया है, मैं उनकी आभार व्यक्त करती हूं। आज मेरी बहन शशि जी भी हैं मेरे साथ में, उनको भी बहुत पहले वो जिलाध्यक्ष भी रही हैं और कार्य करती रहीं, आज उनको भी ये फल रूपी प्राप्त हुआ है, प्रदेश में हैं वो। और मेरी सभी बहनों ने जैसे यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने मेरा स्वागत रखा है, इनसे मैं अनुरोध करूँगी कि आगे हमारे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में अपनी कड़ी मेहनत करें और सब महिलाएं अपने कदमों से मजबूत करें और हमारे माननीय प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी 2022 में विजय हों और बहुत ही अच्छी सीटों से अब की बार 300 के पार। मैं सभी बहनों के लिए ये कहना चाहूँगी, कद बड़ा नहीं करते एड़ी उठाने से, अफसर ऊँचाइयाँ छू जाते हैं सर झुकाने से।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।